नगर पालिका परिषद जामुल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाजपा के ईश्वर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की सरोजनी चंद्राकर को शिकस्त देकर अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर ली है। ईश्वर सिंह ठाकुर के विजय होने के बाद ग्रैंड एशिया न्यूज की टीम से अहिवारा विधानसभा के पूर्व विधायक सावलाराम डहरे ने चर्चा की और कहा कि क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर अपना विश्वास जताया है। मौजूद है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सावलाराम डहरे जी, जो जामुल नगर निगम परिसर में मौजूद है। अभी यहाँ पे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव सम्पन्न है उसमें बीजेपी प्रत्याशी को विजय मिली है। डहरे जी सर, मतलब आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के और खासकर जामुल नगर पालिका के रहवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ साथ उनको धन्यवाद भी ज्ञापन करता हूं कि यहां जामुल की जनता ने विकास पर मुहर लगाया है। विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का कार्य किया था उसको जामुल की जनता भली भांति जानती है और गत 5 वर्षों में जो यहाँ पर जो कार्य हुए हैं विकास के कार्य, बिल्कुल नगण्य जो कार्य हुए हैं, उस विकास को देखते हुए यहाँ की जनता ने मुहर लगाया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यूँ कह दूँ कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने प्रदेश के जो जनता ने हमारे जो वर्तमान विधायक हैं रुद्रगुरु जी, उनको पूर्णतः नकार दिया है। सर्वप्रथम तो उनके हाथ से अहिवारा नगर पालिका चला गया, अब जामुल भी चला गया और एक तरह से कहा जाए तो अहिवार की भिलाई 3-14 जो नगर निगम है वो भी उनके हाथ से चले गए, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में चले गए। कुल मिलाकर हम यूं कहें कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वर्तमान विधायक रुद्रगुरु को पूर्णतः नकार दिया है। चलिए अगर अपन जामुल की बात करें, भिलाई नगर निगम में, वैशाली नगर निगम में पार्टी की हार के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? पार्टी के हार के पीछे ये जो सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस की जो चुनावी जो प्रक्रिया थी वह चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः गलत थी। कहीं कहीं पर हमारे जो प्रत्याशी लोग 2 से 3 से हारे थे, उन्होंने रिटोटलिंग के लिए एप्लीकेशन लगाया लेकिन उनके एप्लीकेशन को उन्होंने नकार दिया। कहीं कहीं पर तो मतपत्रों में भी गड़बड़ियाँ की गई है। तो ये शासन ने पूर्णतः अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है और उनके सत्ता के दुरुपयोग करने के कारण हमारी पार्टी की हार हुई है और वो भी नॉमिनल हार हुई है। सबसे पहली बात तो मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चाहे वो भिलाई हो, रिसाली हो या भिलाई 3-14 हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नाक में दम कर दिया। क्योंकि क्रॉस वोटिंग की बात आ रही थी, जैसे भिलाई नगर निगम में, रिसाली नगर, तो किसी ना किसी प्रकार का डर रहा था। क्रॉस वोटिंग करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, उसका संस्कार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं यूं कह दूं, ये क्रॉस वोटिंग करने की जो परंपरा है कांग्रेस की परंपरा है, उनकी संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सावलाराम डहरे जी, जिन्होंने जामुल नगर पालिका, उनके चेहरे से स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वो काफ़ी हर्षित है इस जीत को लेकर के। हालांकि भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम में भाजपा को की हुई हार को लेकर के वो स्पष्ट रूप से जवाब देने से बसते नजर आए। कहीं ना कहीं इस नगर निगम को अपने हाथ से जाने का उन्हें दुख है। हालांकि अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ता काफ़ी हर्षित है जामुल नगर पालिका की जीत को लेकर के। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस द्वारा भी पूरा प्रयास किया गया था अध्यक्ष पद को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनके हाथ असफलता हाथ लगी। देखा जाए इन 4 नगरी निकाय चुनावों में बीजेपी ने जामुल को जीत करके कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने में सफलता जरूर हासिल कर ली। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।